कभी भी किसी प्योरली मार्केटिंग कंपनी से चीज मत खरीदें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा कि रेंटल गारंटी की चीज वहां पे लें जहां पे दो चीजें हो। अगर ये दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्या आपको रेंटल गारंटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार कभी ना बात मान लिया करें और ज़रा सुन भी लें और समझ भी लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 6-7 साल से ये रेंटल गारंटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है और मैं एज अ कंसल्टेंट मैंने इसको जब पहले प्रोजेक्ट से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ और यू नो आई हैव अ वेरी कीन इनसाइट कि जनाब ये सारा कुछ जो हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है और क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइटफुली कल को आपको जो है इसमें से फ़ायदा होगा या आपको एक नॉर्मल फ़ायदा होगा या जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा या नुकसान भी हो सकता है। तो आपको नुकसान से बचाने के लिए आज क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेंटल गारंटीज अवेलेबल होती हैं लेकिन हम नॉर्मली क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि प्रोडक्ट वो ख़रीदें जिसके अंदर अगर रेंटल गारंटी किसी वजह से डेवलपर नहीं भी दे सकता तो उसके बावजूद भी हम उसको रेंटल मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जी के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेंटल गारंटी आपको कौन दे रहा है, राइट? वो डेवलपर कौन है? मैं बीइंग इन पाकिस्तान जनरली स्पीकिंग सिर्फ एक डेवलपर के ऊपर जो है ना मैं 100% कह सकता हूँ कि जी कि अगर ये डेवलपर रेंटल गारंटी देगा ना तो ये देगा ही देगा और वो है सिर्फ और सिर्फ DHA, राइट? और DHA में आज तक आपको पता है कि DHA ने कोई प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया था जो हमने इमलाक ने किया था गोल्डक्रेस्ट कमर्शियल्स के ऊपर, सो दैट वाज ओनली प्रोडक्ट। तो उसमें आपको पता है कि यार वो देंगे ही देंगे और DHA उसको अपना यू नो किया हुआ वादा या अपनी चीज़ें वो कभी बैकआउट उस सेंस में नहीं होता, तो सिक्योरिटी है। उसके अलावा मैं किसी डेवलपर की बुराई नहीं करना चाह रहा लेकिन एक्सपीरियंस ये रहा है कि डेवलपर्स काफ़ी टाल मटोल से काम करते हैं, चाहे ये प्रोजेक्ट जहाँ पे भी हैं और चल रहे हैं तो उनके अंदर डेवलपर्स की तरफ से कोई खातिर ख्वाह यू नो फीडबैक नहीं आता। सो वाइल जब आप रेंटल गारंटी प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो एक से दो चीज़ें आपके साथ शुरू में ज़्यादती हो जाती है। वो ज़्यादती ये होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेंटल प्रोजेक्ट्स जितने भी रेंटल गारंटी वाले प्रोडक्ट्स हैं अब उनके अंदर आपको टेक्निकली एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो ओवर प्राइस मिलता है। वो इस वजह से ओवर प्राइस मिलता है कि जो भी डेवलपर है वो जाहरी बात है अपने सर पर एक चीज़ जिम्मेदारी ले रहा होता है और वो कहता है कि जी कि मैं ये दूंगा और अगर उसको ये डाउट होता है कि यार मेरा शायद मैं रेंट ना इतना कमाऊँ तो वो क्या करता है कि जो उस चीज़ की एक्चुअल प्राइस होनी होती है वो उसके ऊपर जो है वो 20% या 30% ऐड कर देता है अपने आप को या अपने नुकसान को सेफ गार्ड करने के लिए। तो जब भी आप नॉर्मली रेंटल गारंटी वाली चीज़ लेने जाएंगे उसके अंदर आप ये लाजिम देखेंगे कि उसके साथ एक बिल्कुल वही चीज़ मौजूद होगी और वो 20% से 30% कम प्राइस के ऊपर मौजूद होगी और वो वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको कहानियाँ बड़ी सुनाएगा जी कि इसमें मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे ये बात करेंगे कि भाई रेंटल गारंटी तो मिलनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होनी चाहिए, तो जब मार्केट प्राइस से आप ऊपर चार्ज कर रहे हैं और आप 10% मुझे गारंटी दे रहे हैं तो मुझसे आप 30% ऊपर चार्ज कर रहे हैं तो 3 साल का रेंट तो आपने मेरे से ही ले लिया, ठीक है? 3 साल का रेंट आपने मेरे से लेके मुझ पे कोई एहसान नहीं किया कि आप मुझे रेंटल गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत एक वीडियो बनाई थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर 3 साल का जो चीज़ें हैं वो कैसे ट्रांसपेयर होती है क्योंकि 3 साल पहले आपने चीज़ें दे दी हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है वो आपको 40 लाख रुपये महंगा मिल रहा है बिकॉज कि उसमें रेंटल गारंटी है। अब वो 40 लाख रुपये आपको महंगा मिला पहली बात, उसके बाद वो 40 लाख रुपया आपके पास जो आएगा यही 40 लाख रुपया ये पोजेशन के 3 साल के बाद आएगा आपको मिलेगा, राइट? तो आपको 6 साल में ये पहला ये 40 लाख रुपया 6 साल के बाद रिकवर होगा, 3-4 साल उसको बनने में लग गए फिर 3 साल उसके 6-7 ईयर्स में जाके तो पहले ये 40 लाख रिकवर होगा जो आपने पहले ही दे दिया।
तो 7 साल तक तो आपने कुछ नहीं कमाया, ठीक है। मकसद मेरी बात करने का ये है कि जी कि ये हमें जो है ये जाग आनी चाहिए कि यार अगर रेंटल गारंटी प्रोडक्ट भी है, रेंटल गारंटी प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसके अंदर जो है ये रेंटल गारंटी ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है। ये बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो इससे बेवकूफ़ बन जाते हैं और अपनी बेवकूफ़ी में या आप समझें कि नासमझी में, बिकॉज नए हैं, उनको पता नहीं है, उनको मार्केट प्राइसेस का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो जाए, वो जनाब वो चीज़ ले लेते हैं, समझते हैं 10% रेंटल गारंटी मिलेगी मुझे, हालांकि वही प्रोडक्ट उनको जो है वो बड़े आराम से 40-50 लाख 30 लाख रुपए सस्ता जो है उस मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो एक तो ये मसला है। मुझे उसके बाद पहले आप ओवर प्राइस चीज लेते हैं, और दूसरा मसला ये है कि भाई आपको तो रेंटल गारंटी मिल गई, डेवलपर की गारंटी क्या है, ठीक है। इसी जैसा मैंने कहा कि DHA है, ठीक है, मैं DHA के अलावा अभी किसी की भी गारंटी क्यों ना, मैं नहीं समझता, मेरा भी जो एक्सपीरियंस है कि जनाब वो कोई इतनी वैलिड नहीं है, राइट। होता क्या है, डेवलपर्स इनिशियली लाते हैं, वो लॉन्च भी करते हैं, कहते पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे हमारे, यू नो हमारा प्रोडक्ट बिकना था 2 अरब रुपए का, 3 अरब का बिक रहा है, हमें फ़ायदा हो गया, और फिर वो मैनेजमेंट भी नहीं करते उसकी, उसके ऊपर फोकस भी नहीं करते। तो होता क्या है कि वो प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि यू नो डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स के पास कोई प्लान नहीं है, वो किसी होटल को दे देंगे या किसी को दे देंगे। अब जब होटल को देते हैं, वो होटल का एग्रीमेंट आपके साथ शेयर नहीं होता, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि होटल इस रेट के ऊपर लेते ही नहीं है उनसे, होटल ने लिया होता है कम रेट के ऊपर। अच्छा, वो अब खुदा ना खास्ता फॉर सम ऑड रीज़न अगर वो होटल मैनेज नहीं कर सकेगा, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छा भी डेवलपर है, और वो चले उसने 20-30% आपसे पहले ले लिया था, और अगर वो 2-3 साल के अंदर वो आपके पैसे रिटर्न भी कर देता है आपको और चीज़ें भी कर देता है, तो फिर भी आप नुकसान में हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैसे ही आपको वापस मिल रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि उस 6-7 साल के बाद अगर वो प्रोडक्ट जो है वो एक उस वक्त के मुताबिक एक अच्छा रेंट नहीं दे रहा है, या वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाया, राइट, तो आपके पास चांसेस नहीं है। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ ना होटल रूम्स की, मैं हालांकि होटल रूम्स है कॉन्सेप्ट है, मैं उसको कोई बुरा भला नहीं कहता, लेकिन अगर मेरे से बात सुनेंगे तो मैं उसको मतलब है कि आई विल ऑलवेज रेट इट लोअर देन यू नो सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल अपार्टमेंट्स। तो उससे 6-7 साल के बाद अगर किसी वजह से डेवलपर इज अनेबल टू रेज दोज रेंट्स, या वो चीज़ें कर सके, या उसको लालच आ जाए, या कोई उसके अंदर कोई यू नो वो कहे कि यार मैं तो कर देता है उन यू नो आई कैन बैक आउट फ्रॉम माई प्रोमिसज, और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा वो कर दूँ, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तो मुझे सिर्फ ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये इस डेवलपर की गारंटी जो है वो कौन देगा, राइट, कि उसने जो आपसे एग्रीमेंट किया है और चीज़ें की हैं वो उसके ऊपर कायम है। क्या यू नो वो सुबह अगर वो जाता है और कहता है 6-7 साल के बाद वो कहता है जी कि मेरी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है, मैं नहीं दे सकता, आई डोंट नो कि उसकी क्या लीगल जो है वो वैल्यू है। आप केस कर लेंगे, आप उसके खिलाफ 2-4 एप्लीकेशन दे देंगे जी फिजिकल पोजेशन मैंने आपको दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपका बन गया हुआ है, रेंटल गारंटी मैं नहीं दे पा रहा, जो आ रही है वो मेरे से ले लें, मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट इतनी है, मेरा फलाना इतना है, मेरा फलाना इतना है, और अल्टीमेटली जो है वो आपको वो गारंटी जो है वो नहीं मिलेगी। हम खुद एक कंसल्टेंसी कंपनी है, बट द पॉइंट इज़ के हम जिस तरह काम कर रहे हैं राइट, वो टोटली इस तरह की माफियाज के अगेंस्ट थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जी के जब भी मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, इवन अगर वो रेंटल गारंटी का भी हो, तो मैं उसकी वैल्यू ऑफ मनी ज़रूर देखता हूँ कि हाँ ठीक है वो कोई 10-15% अगर ऊपर है भी मार्केट प्राइस से, तो वो डूएबल बात है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो 30-40% ऊपर ना हो जाए, वो कोई 40,000, 50,000, 60,000 का ना हो, जस्ट बिकॉज कि उसी जगह के ऊपर दूसरा आपको 35 में मिल रहा है, 30 में मिल रहा है, 32 में मिल रहा है, और आप जाके जो है वो 10,000 रुपये महंगा चीज़ एक जाके ले लें, 20,000 रुपये महंगी जाके चीज़ ले लें, जस्ट बिकॉज के जनाब वो क्या कहते हैं जी उसकी रेंटल गारंटी उसके अंदर वैलिड है। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि ओवर प्राइस चीज़ में रेंटल गारंटी लेना, क्या ये लॉजिकली आपको बात समझ में आती है, नहीं आती, राइट, आपके पैसे आपको मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्ली वो ये है कि डेवलपर की क्या गारंटी है कि उसने जो प्रॉमिस है, जो एग्रीमेंट आपसे किया,
उसको जो है वो ऑनर करेगा। मेरे अपने ख्याल के अंदर यस, इफ यू नो हॉस्पिटैलिटी जो हमारे पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स हैं वो अगर इस तरह की कोई ऑफर देते हैं तो वो एक डूएबल है, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस एंड यू नो उन्होंने उसको मैनेज करना है। बड़े ग्रुप्स हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी पीसी खुद जो है वो अपने एक बिल्डिंग बनाता है और कहता है जी मैं इसमें होटल रूम दूंगा और आप लोग ले ले और मैं इसमें रेंटल गारंटी दूंगा, उसको भी आपने ज़रूर वे आउट करना है कि भाई ओवर प्राइस ना हो, क्योंकि जब भी आप ओवर प्राइस चीज़ें कीजिए कि वो सारा प्रॉफिट आपका जीरो हो जाता है। चलो डेवलपर गारंटी हम फिर भी कह देंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पर इतना बड़ा नाम इन्वॉल्व होगा तो वो आपको देगा, लेकिन अगर आप ओवर प्राइस खरीद रहे हैं ना तो वो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने आपके से एक एग्रीमेंट करना है 10 साल के लिए, आपको बाउंड कर देना है, आपकी रिटर्न्स कैश फ्लो तो फिर भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर एक चीज़ आप 30-40-50% महंगी ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको कैपिटल गेन उस तरह से नहीं दे पाएगी जिस तरीके से दूसरी चीज़ जो है वो आपको दे सकेगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जी के फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह के ऊपर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक जो है वो 100,00,000 का है यानी 1 करोड़ का है और दूसरा जो है 1.3 करोड़ का है, 1.00 करोड़ कर लेते हैं, राइट। अब लेट सपोज 6-7 सालों में इसकी वैल्यू जो बननी थी वो बराबर थे, इसमें रेंटल गारंटी मिल रही थी, इसमें रेंटल गारंटी नहीं मिल रही थी आपको, राइट। अब सारी चीज़ें भी अपनी जगह ठीक है, कैपिटल गेन तकरीबन दोनों में अप्रिसिएशन बराबर होगी, सो ये भी 2 करोड़ रुपये का लेट सपोज हो गया 6-7 सालों में, ये भी 2 करोड़ का हो गया, तो इसमें आपको मिला 100% कैपिटल गेन, ठीक है जी, जो भी टाइम फ्रेम कर दे, 3 साल लगा ले, 4 साल लगा ले, 5 साल लगा ले, वट एवर टाइम फ्रेम की डिस्कशन नहीं अभी हो रही। यहां पर आपको जो है वो कैपिटल गेन आपको क्या मिला, ये इट इज लेस देन मेरा ख्याल 50-60% इसके दरमियान में होगा। सो एग्जैक्ट कैलकुलेट आप कर लें, क्योंकि अगर 1 करोड़ के ऊपर 50,00,000 मिल रहा है तो वो और 20-30 लाख के ऊपर 20,00,000 रुपये मिल रहा है तो 60% करीब 60% रफली, तो ये कितना बड़ा फर्क है, ठीक है। आप इसमें कहेंगे जनाब मुझे 30% जो है वो रेंट मिल गया, चलो ठीक है जी, तो ये फिर भी 60 और 30 ये 90% बना और इधर सिर्फ आपका कैपिटल गेन 100% बन गया। इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन है जो बहुत सारे लोगों को जो है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको कंफ्यूजन हम खुद फैलाते हैं और हम उसमें जो है ना वो बेसिक मसला जो है ना जी वो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये मसला है ये जो मार्केटिंग कंपनियों के साथ है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनियों ने अपना माल बेचना होता है, वो कहते हैं जनाब बेच लो जी बहुत अच्छा है जी सारा कुछ अच्छा है, उसके बाद जब आपको मसला होगा तो इनमें से कोई मार्केटिंग कंपनी जो है ना वो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि जी वेच देता है दोनों तो लेता है, डेवलपर में जाके पूछ लो, राइट। इसलिए मैं बार बार आप सब लोगों को बताता हूँ कि जनाब आप कभी भी किसी प्योरली मार्केटिंग कंपनी से चीज मत खरीदें, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला विल कम कवर इन कंप्लीट डिटेल कि जनाब क्यों मार्केटिंग कंपनीज जो है इतनी डेंजरस हैं और क्यों उनके लिए जो है वो आपके लिए यू नो दे कैन बी वेरी वेरी यू नो फाइनेंशियली आपको जो है वो लॉस में लेके जा सकती हैं, बिकॉज उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उनकी एक स्ट्रेटेजी है चीज़ बेचनी है। सो लिहाजा आप किसी भी एंगल से इस जगह को देख लें, अगर आप ओवर प्राइस चीज़ खरीद रहे हैं चाहे आपको 30% रिटर्न मिल रहा है, आपका लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी ROI कम है, कैपिटल गेन में ही कम है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा कि रेंटल गारंटी की चीज वहां पे लें जहां पे दो चीजें हो बड़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर को आप 100% आपकी श्योरिटी हो, राइट। इतना बड़ा नाम हो कि आप समझे कि वो ये काम करेगा तो वो अपनी गुडविल तबाह कर देगा, वो कभी भी फिर उस तरह का काम नहीं, और इसके साथ साथ वो 10% से चलो 15% भी कर दें, से ज्यादा ओवर प्राइस ना हो। देखें इतनी आपको कीमत फिर अपनी सेफ्टी की देनी पड़ती है, सो 10-15% ओवर प्राइस रीजनेबल है, डेवलपर के साथ 100% श्योरिटी हो, ओनली देन गो फॉर अ रेंटल गारंटी प्रोडक्ट। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो बराए मेहरबानी है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जाके इन्वेस्ट करें या अपना पैसा लगाएं या अपना पैसा जाया करें। सो गाइस That's my take on it. I would love to hear, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारा पिछला भी जो जितने भी चीज़ें गई हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, हमें रिपोर्ट्स आती हैं इस्लामाबाद से भी आती हैं, ठीक है जी लाहौर के कई जगहों से आती हैं कि जनाब रिटर्न्स वो नहीं हैं जो प्रॉमिस किए गए थे,
तो लिहाजा मुश्तरी होशियारबाश, हमारा काम था जान देना, हमने जान दे दी है, आप लोगों ने अब फैसला करना है कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और क्या आपको किसी रेंटल गारंटी के लिए ओवर प्राइसिंग में जाना चाहिए या ओवर प्राइस चीज़ खरीदनी चाहिए। दैट्स अप टू यू एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।